हेलो वेलकम। आज हम देखेंगे कि स्मोक डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम यूजिंग सिस्को पैकेट ट्रेसर, राइट? सो एक्चुअली इट इज ए नेटवर्क मिनी प्रोजेक्ट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, राइट? इट इज ए यू कैन से इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑल्सो, मतलब IoT बेस्ड प्रोजेक्ट ऑल्सो, राइट? सो पहले हम एक सर्वर लेंगे। दिस इज द रजिस्ट्रेशन सर्वर। ओके, इट इज द रजिस्ट्रेशन सर्वर। इसको नाम दे देंगे, वो ये कंट्रोल करेगा ना सबको, जितना भी डिवाइस है। ओके, राइट। और एक एक्सेस पॉइंट ले जाएंगे। ये वायरलेस, मतलब एक्सेस पॉइंट क्या है, ये वायरलेस को कनेक्ट करता है, वायरलेस वायरलेस डिवाइसेस को, राइट? इसमें आएगा वायरलेस डिवाइसेस। मैंने जैसे ही बोला था, ये वायरलेस डिवाइसेस को वायरलेस के मदद से कनेक्ट करता है, राइट? ये वाला PPT। ओके, और एक स्मोक डिटेक्टर लेंगे, स्मोक डिटेक्टर। ओके, ये स्मोक डिटेक्टर है। और एक स्प्रिंकलर ले जाएंगे, ये मतलब आग को प्रिवेंट करेगा, राइट? फायर को प्रिवेंट करने के लिए। ओके, मतलब ये दिखाएगा, ये स्प्रिंकलिंग करके दिखाएगा कितना कितना आग इसमें है। ये हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, बताएंगे आपको, राइट? वो ये हो गया फायर स्प्रिंकलर, ये फायर स्प्रिंकलर है। इसको स्प्रिंकलर नाम दे देंगे, स्प्रिंकलर। राइट, और क्या करेंगे कि तीन कार ले जाएंगे, राइट? ये स्मोक, मतलब ये स्मोक रिलीज करेगा, राइट? ये हो गया, तीन ठो कार ले जाएंगे, ये स्मोक रिलीज करेगा। अब क्या करेंगे, एक्सेस पॉइंट में जाएंगे, राइट? कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और पोर्ट 0 को जाके ये पहले ऑटो कर देंगे, और पोर्ट 1 में जाके ये जो SSID है ना, इसमें दे देंगे, राइट? इसको सिस्को दे देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, वायरलेसली हम फायर स्प्रिंकलर और IoT डिवाइसेस को एक्सेस पॉइंट के माध्यम से हम कनेक्ट करेंगे, वायरलेस सिस्टम के माध्यम से। ओके, सो फायर स्प्रिंकलर में जाएंगे, कंफ्यूम में जाएंगे, ओके, सेटिंग्स में, सॉरी, जाएंगे फास्ट इंटरनेट में जाएंगे। एक मिनट, इसको कनेक्ट भी करेंगे अभी। ओके, कनेक्ट करेंगे, राइट? यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फायर स्प्रिंकलर नहीं लेके हम यहाँ पे क्या ले जाएंगे, लॉन स्प्रिंकलर ले जाएंगे, ये सही रहेगा, राइट? ये ठीक से डिटेक्ट करेगा, आई थिंक। ये नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, और हम लेंगे क्या, ये वाला ले जाएंगे, लॉन स्प्रिंकलर। ओके, ये वाला ले जाएंगे, सही रहेगा। तो ये ले जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन, ये लेंगे वायरलेस में। हाँ, ये सही है, ये वायरलेस में जाके देखो,
एक काम करेंगे, इसको रिनेम कर देंगे बिल्डिंग, राइट, इसको स्प्रिंकलर लैंप दे देंगे, स्प्रिंकलर, यस स्प्रिंकलर, ओके। अब क्या करेंगे ना, वायरलेस जीरो में जाएंगे, राइट, स्प्रिंकलर कॉन्फ़िगरेशन वायरलेस, वायरलेस में जाएंगे और इसमें सिस्को दे देंगे जो हम वहां पे दिए थे, राइट, सिस्को, ओके। अब ये देखो, ये कनेक्ट हो जाएगा, देखना अभी कनेक्ट हो जाएगा, ओके, कनेक्ट हो गया। अब स्मोक डिटेक्टर के उसी तरह करेंगे, राइट, स्मॉल डिटेक्टर में जाएंगे, कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगरेशन वायरलेस, और एस एस आई डी में क्या करेंगे, इसमें सिस्को, राइट, ओके ओके। अब ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जब हम एस एस आई डी में सब कर रहे हैं ना, तो जब हम एस एस आई डी में सब सिस्को लिखेंगे तो ये सही से पकड़ेगा, ओके, तो राइट, अब क्या करेंगे, एक्सेस पॉइंट जो है, ये एक्सेस पॉइंट जो है ना, तो एक्सेस पॉइंट को सर्वर से हम कनेक्टेड करेंगे ऑटोमेटिकली कनेक्शन से, राइट, इसको फिजिकल कनेक्ट कर देंगे, राइट, अब क्या करेंगे, इसको आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, राइट, इसको आईपी एड्रेस नहीं असाइन करेंगे ना, तो ये कनेक्ट नहीं होगा, आईपी एड्रेस असाइन करना जरूरी है, तो हम डिसाइड करेंगे यहाँ पे, तो क्या देंगे, इसको दे देंगे 1.0.0.1, ओके, नहीं दिए हैं, अब देंगे, तो अभी इसको हम क्या करेंगे कि इसको अब हम आईपी एड्रेस ये मतलब डिसाइड किए हैं, हम देंगे आगे जाके, ओके। सो ये दे देंगे 1.0.0.2, ओके, एंड यहाँ पे देंगे 1.0.0.3, ओके, यही देंगे, राइट, अब ये सही है, ओके। अब क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन सर्वर में जाएंगे, डेस्कटॉप में जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन 1.0.0.1, ओके, ये हो गया, इसको काट दो। अब क्या करेंगे, स्प्रिंकलर में जाएंगे, स्प्रिंकलर में जाएंगे अभी, ओके, स्प्रिंकलर अब क्या करेंगे, वायरलेस में जाएंगे, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद वायरलेस जीरो, ओके, इसमें जाएंगे। अब क्या करेंगे, ना जो आईपी कॉन्फ़िगरेशन है, डीएसपी स्टैटिक, इसमें स्टैटिक कर देंगे, राइट, और स्टैटिक करके इसके आईपी एड्रेस हम असाइन करेंगे, ओके। सो इसका आईपी एड्रेस हम क्या दे है उसमें, 1.0.0.2, ओके ओके, राइट। अब उसी तरह हम स्मोक डिटेक्टर में जाएंगे, वायरलेस में जाएंगे, स्टैटिक, उसके बाद इसका आईपी एड्रेस है 1.0.0.3, ओके, ये वाला 1.0.0.3, ओके, ये वाला, ओके ना। अब क्या करेंगे, ओके, आईपी एड्रेस हमने असाइनमेंट कर दिया अभी, अब क्या करेंगे कि हम रजिस्ट्रेशन सर्वर में जाएंगे, अब आईओटी कनेक्शन हम नहीं दिए हैं, अब इसको आईओटी कनेक्शन देना जरूरी है, नहीं तो ये नहीं लेगा, ओके, तो आईओटी कनेक्शन देने के लिए हम जाएंगे सर्विसेज, आईओटी ऑन कर देंगे, राइट, सर्विसेज ऑन कर देंगे, तभी ये लेगा, ओके, अब ऑन हो गया, ये हो गया, ओके। अब क्या करेंगे, सर्वर में जाके, ओके, वेब ब्राउजर में जाएंगे, राइट,
इसमें वेल टाइप करेंगे कितना, अब क्या करेंगे मतलब रजिस्ट्रेशन सर्वर में जाके इसका आईपी एड्रेस टाइप करेंगे 1.0.0.1। ओके देन गो करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन सर्वर लॉगिन आ गया है राइट। अब इसको हम साइन अप करेंगे, उसके बाद हम साइन इन करेंगे। ओके तो अकाउंट क्रिएट करेंगे तभी तो साइन इन कर पाएंगे ना। तो साइन अप ना इसमें टाइप कर देंगे, एक नाम टाइप कर दो जो एडमिन है राइट। तो एक टाइप कर दो मनोरंजन। ओके मनोरंजन पासवर्ड ही वही रखो मनोरंजन। ओके यस देन क्रिएट। देखो ये हो गया राइट। ओके अब देखो पहले मैं लॉग आउट करके दिखा देता हूँ ये लॉगिन हो रहा है कि नहीं। देखो क्या दी थी, मनोरंजन पासवर्ड है मनोरंजन। ओके तो साइन इन करेंगे, देखो साइन इन हो गया। ओके तो कैसे साइन अप करिए मैं बता दिया राइट, साइन अप करके साइन इन कैसे करना है। ओके ना तो अब क्या करेंगे, तो ये हो गया अब क्या करेंगे राइट। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्प्रिंकलर और मॉडिटर है राइट, ये रेजिस्टेंस सर्वर को हम कनेक्ट करेंगे राइट। सो क्या करेंगे, स्प्रिंकलर में जाएंगे। ओके और कॉन्फ़िगरेशन उसके बाद राइट, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन। ओके सो इसमें क्या करेंगे, रिमोट सर्वर में जाएंगे, रिमोट सर्वर इसमें सर्वर का आईपी एड्रेस, सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है 1.0.0.1। ओके रजिस्टर सर्वर का राइट, क्योंकि हम ये दो जो डिवाइस है ना स्प्रिंकलर और स्मोक डिटेक्टर, ये रजिस्ट्रेशन सर्वर में हम कनेक्ट करेंगे ना, तो रजिस्ट्रेशन सर्वर का आईपी एड्रेस चाहिए। ओके तो हम क्या करेंगे, रिमोट सर्वर में जाके 1.0.0.1। ओके और यूजर नेम क्या दी थी, मनोरंजन, मनो रंजन पासवर्ड क्या दी थी, वही मनोरंजन। ओके अब यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे, देखो जब रिफ्रेश आ जाएगा ना तो कनेक्टेड। ओके रिफ्रेश मीन्स कनेक्टेड। ओके छोड़ दो, अब ठीक वही काम करेंगे स्मोक डिटेक्टर में। ओके कॉन्फ़िगरेशन राइट, कॉन्फ़िगरेशन में जाके रिमोट सर्वर राइट, रिमोट सर्वर सर्वर का आईपी 1.0.0.1। ओके और यूजर नेम मनोरंजन, पासवर्ड है मनोरंजन। ओके आप कनेक्ट करेंगे, देखो रिफ्रेश आ गया मतलब कनेक्टेड राइट, ये हो गया कनेक्टेड, ये हो गया मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल। ओके अब क्या करेंगे, इसको काट दो। ओके अब ये दो मशीन कनेक्टेड हो गया रजिस्ट्रेशन सर्वर के साथ राइट। हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे रजिस्ट्रेशन सर्वर में। ओके ये दो डिवाइसेस को तो क्या करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन सर्वर में जाएंगे, वेब ब्राउजर में जाएंगे राइट, इसका 1.0.0.1 टाइप करेंगे, रजिस्ट्रेशन सर्वर का आईपी एड्रेस, देन गो इसका आईपी एड्रेस मतलब इस आईपी एड्रेस का मतलब आईपी एड्रेस टाइप करने बाद अब रजिस्ट्रेशन सर्वर लॉगिन में आ गए। अब यूजर नेम और पासवर्ड देंगे मनोरंजन, पासवर्ड है मनोरंजन। ओके अब साइन इन करेंगे, देखो दो डिवाइसेस आ गया मतलब ये सही से कॉन्फिगर्ड है राइट। ओके ये देखो स्टेटस आ गया ये। ओके ये आ गया, क्या करेंगे ये देखो मतलब ये अब क्या करेंगे, अब कंडीशन देंगे क्योंकि ये सब मतलब सब ये देखो सब अब कुछ कोई भी काम नहीं कर रहा है, अब कंडीशन देंगे तब काम करेगा राइट। तो कंडीशन में रहेंगे राइट, आर में टाइप करेंगे आर राइट। क्या अब क्या करेंगे राइट, अब क्या करेंगे यहाँ पे। ओके अब लेंगे यहाँ पे स्प्रिंकलर लेंगे राइट, स्प्रिंकलर। ओके स्प्रिंकलर
और यहाँ पे स्टेटस स्टेटस ट्रू, ओके स्टेटस ट्रू, और एक मिनट देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। देखो हम यहाँ पे नेम दे देंगे पहले, ये नहीं नेम दे देंगे स्मोक ऑन, ओके स्मोक ऑन कंडीशन देंगे पहले नेम में स्मोक ऑन, ओके देन क्या करेंगे स्प्रिंकलर, ओके स्प्रिंकलर क्या देखेंगे स्टेटस स्टेटस ट्रू, ओके स्टेटस ट्रू देन ओके अब क्या करेंगे यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये स्प्रिंकलर हो गया राइट, ये इस ट्रू होने के बाद हम क्या करेंगे देन स्मोक में जाएंगे राइट स्मोक राइट देन लेबल राइट, इसमें हम कंडीशन देंगे कि ग्रेटर दैन इक्वल टू राइट 0.5, ओके है ना राइट। ये क्या बोलता है, ये अगर स्मोक का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0.5 है ओके सो ये अलार्म सेट टू क्या करेंगे मतलब अलार्म सेट टू स्प्रिंकलर ओके जीरो पॉइंट फाइव देन सेट स्प्रिंकलर राइट स्प्रिंकलर स्टेटस राइट स्प्रिंकलर स्टेटस इज ट्रू ओके यही करेंगे राइट ना। सो उसके बाद क्या करेंगे हम देन इसको ओके कर देंगे राइट देखो आ गया इनेबल्ड इज नेम स्मोक ऑन कंडीशन स्मोक लेवल ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5, अगर स्मोक लेवल ग्रेटर और इक्वल टू 0.5 देन एक्शन शुड बी सेट स्प्रिंकलर स्टेटस टू बी ट्रू ओके। और एक कंडीशन में हम देंगे राइट और एक कंडीशन क्या देंगे देखो क्या करेंगे अब और एक कंडीशन ऐड करेंगे राइट स्मोक इज ऑफ स्मोक स्मोक ऑफ ओके स्मोक ऑफ स्मोक ऑफ ओके देन यहाँ पे लिखें यहाँ पे स्मोक ओके स्मोक लेवल लेस देन ओके लेस देन 0.5 देन सेट स्प्रिंकलर राइट स्टेटस फॉल्स ओके ना यही देंगे ना, अगर नहीं है तो फॉल्स है ओके देन क्या करेंगे ओके कर देंगे अब कंडीशन सेट हो गया आपको बता दिया राइट ओके। ये हम कंडीशन और एक बार बता देता हूँ, अगर स्मोक ऑन कब होगा, अगर स्मोक लेवल ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 होगा तो मतलब स्प्रिंकलर टिप टिप करेगा, अगर स्मोक लेवल लेस देन 0.5 देन ये जो स्प्रिंकलर है ये डिप डिप नहीं करेगा मतलब ये कंडीशन फॉल्स है राइट। जब ये मतलब ये स्प्रिंकलर डिप डिप होगा राइट सो ये हम देखेंगे अभी तो पता चल जाएगा ओके ना ओके। अब क्या करेंगे अब चेक करेंगे किसे हो रहा है कि किसे हो रहा है कि नहीं ओके इसको अब टेस्ट करेंगे ना इसको काट दो और उसके बाद हम ट्राई करेंगे। ये तो वेब ब्राउजर तो हम कर रहे हैं और एक बार क्या करेंगे इसमें और एक है आईओटी मॉनिटर राइट, ये एक स्पेशल एप्लीकेशन है राइट सिस्को पैकेट ट्रेसर का, इसको और एक बार ट्राई करते हैं क्योंकि हम ये जो वेब ब्राउजर है ना इसको हम ट्राई कर चुके हैं तो अब क्या करेंगे ये आईओटी मॉनिटर को पहले ट्राई करेंगे ओके। ये स्पेशल एप्लीकेशन है रजिस्ट्रेशन सर्वर
मतलब रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ओके, तो ये बाई डिफॉल्ट यहाँ पे यही दिखा रहा है, तो क्या करेंगे हम, हमारा आईपी एड्रेस इसको काट देंगे, हमारा जो आईपी एड्रेस है रजिस्ट्रेशन नंबर का वो देंगे, राइट, 1.0.0.1, और हमारा यूजर नेम था मनोरंजन, और पासवर्ड भी वही है मनोरंजन। ओके, देन लॉगिन करेंगे, देखो ये खुल गया, राइट। ओके, ये देखो अब जीरो, लेवल जीरो है और स्टेटस अभी रेड मार्क में है। अब रन करेंगे ना, तब करेंगे, राइट। अब देखो, जैसे कि मैंने बोला था कि ये लेवल जीरो है और स्टेटस भी रेड मार्क में है, मतलब ये काम नहीं कर रहा है। अब प्रोग्राम कर चुके हैं, अब जब एक्शन देंगे ना तब ये ट्रिगर होगा। ओके ना, सो देखेंगे अब क्या करूंगा, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे ना, एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे ले जाएंगे। ओके, हम क्या करेंगे ना, ऑल प्रेस करके, राइट, इसमें लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस का, तो ये स्मोक देगा, ये देखो ऑल्ट, ये लेफ्ट क्लिक, ऑल्ट ये कार में रख के लेफ्ट क्लिक, ये देखो स्मोक दे दिया। ओके ना, ओके, अब क्या करेंगे, अब देखो ये वैल्यू देखो बढ़ता जा रहा है, ये देखो बढ़ता जा रहा है। देखो जब लेस देन 0.5 था तब नहीं कर रहा था, अब देखो जितना ही बढ़ रहा है ना तो ये स्प्रिंकलिंग कर रहा है, ये देखो यहाँ पे, मतलब हम कंडीशन इसी तरह सेट किया है ना, लेस देन 0.5 था तो नहीं कर रहा था, अब जब ये बढ़ रहा है ना 0.5 से, मतलब 0.54 0.,, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो ये दिप 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 कर रहा है यहाँ पे, देखो, राइट, देखो। ओके, अब देखो स्प्रिंकलर यहाँ पे ग्रीन ब्लू ग्रीन, मतलब ग्रीन रेड हो रहा है, और यहाँ पे दिव 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 कर रहा है जैसे मैंने बोला था, राइट। ये जब तक करेगा जब तक ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 से ज्यादा होगा। ओके, कंडीशन के हिसाब से 0.5 से ज्यादा होगा, 0.5 या 0.5 से ज्यादा होगा, तब तो ये मतलब स्प्रिंकलर दिप दिप स्टार्ट करेगा, तो दिप दिप स्टार्ट कर चुका है, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि 0.5 0.53 ऐसे करके ये बढ़ रहा है, मतलब ये दिप दिप करेगा प्रोग्राम के हिसाब से। ओके, अब सही से काम कर रहा है। ओके, अब देखो क्योंकि ये देखो स्मोक बढ़ रहा है ना 0.0.5 से, तो ये दिव दिव कर करेगा ना, समझ पाए ना, समझ पा रहे हैं ना। ओके, अब देखो और एक बात ये है कि ये जब स्मोक मतलब रिटेट करना स्टार्ट करेगा ना स्प्रिंकलर, तो ये पानी छिटर के मतलब क्या कुछ करके ये आपको बुझा देगा। ओके, तो यही है ना, तो हम अलार्म से भी कनेक्ट कर सकते हैं, राइट, हम दरवाजा में से कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब हम बहुत सारी चीज में हम कनेक्ट कर सकते हैं इसको, सिर्फ स्प्रिंकलर में नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप कुछ भी देखेंगे कॉन्फिगरेशन। ओके, तो थैंक यू।